पहला सवाल, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए घोड़ा, बी भालू, सी ऊंट, डी मगरमच्छ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मगरमच्छ। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी हिरन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भालू। अगला सवाल, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन सी नीला रंग, ऑप्शन डी बैंगनी रंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाल रंग। अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी बीकानेर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीकानेर में। अगला सवाल, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चूहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खरगोश। अगला सवाल, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? ऑप्शन ए अमेरिका देश में, ऑप्शन बी नॉर्वे देश में, ऑप्शन सी चीन देश में, ऑप्शन डी बेलिया देश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेलिया देश में। अगला सवाल, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। अगला सवाल, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 28 हड्डियां, ऑप्शन बी 26 हड्डियां, ऑप्शन सी 30 हड्डियां, ऑप्शन डी 32 हड्डियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 हड्डियां। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1954 में, ऑप्शन बी 3 अगस्त 1954 में, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 में, ऑप्शन डी 2 जुलाई 1955 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 में। अगला सवाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन आई डी मुंबई महाराष्ट्र में। अगला सवाल, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी जयपुर को, ऑप्शन डी मेरठ को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए कन्नौज को। अगला सवाल, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जम्मू को, ऑप्शन बी मसूरी को, ऑप्शन सी लद्दाख को, ऑप्शन डी नैनीताल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मसूरी को। अगला सवाल, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए लोहा का, ऑप्शन बी सोना का, ऑप्शन सी तांबा का, ऑप्शन डी चांदी का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा का।